हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ बना रही हूँ बेसन वाले सेव। देखें, ये हमने तैयार किए हैं और सारी ही घर के इंग्रेडिएंट से तैयार किए हैं। बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, क्रिस्पी हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है इनका। देखें कितने बड़े बड़े सेव बनकर तैयार हुए हैं और हम को तोड़कर भी दिखाएंगे। देखें कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी खाने में हार्ड नहीं हैं। और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको काफ़ी लंबे टाइम तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और ख़ासकर ये फेस्टिवल्स पर बनाए जाते हैं, होली है, ईद है, इन पर ज़रूर बनते हैं ये सेव। सभी को पसंद आते हैं, छोटे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं और बहुत अच्छा स्नैक है ये। आप चाय के साथ कैसे भी इसे खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने घर के चीज़ों से बने हैं, अपने घर के ऑयल से बहुत हाइजीनिकली हमने इनको बनाया है। आप भी बनाएं। और इनको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करें। देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। हम आपको बताते हैं हमने इनको कैसे बनाया है। आज हमने ये मशीन जो होती है इस तरह की, हमने उससे बनाया है, सेव वाली मशीन जो होती है। थोड़ा हमने इसमें 300 ग्राम बेसन लेकर 1/4 चम्मच सोडा ऐड कर दिया है, थोड़ा काला नमक डाल रहे हैं, 1 स्पून के करीब हमने कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, ये साबुत ज़ीरा नहीं है, ये मिर्च डाल दी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये अब हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं, पाउडर फॉर्म में हमारे पास था, ये हमने कलर डाल दिया है। कलर डालने से बहुत अच्छे लगते हैं ये। और अब हम इन सब चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें प्लेन सॉल्ट भी डालेंगे, यही अपना सिंपल नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने काला नमक ऑलरेडी डाल रखा है। एक बार फिर हमने इनको मिला लिया सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब हमें इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना है, बहुत थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इसका बैटर काफ़ी हार्ड हमें बनाना है, बहुत टाइट बैटर बनाना है, सॉफ्ट बैटर से सेव नहीं बन पाएंगे। और देखें थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी इसकी नीडिंग में, ये हमने थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। और अब हम इसको अच्छे से मिला रहे हैं। ये देखें इतना हार्ड हमें रखना है इस तरह से। और अब हम इसको लगभग 30 मिनट के लिए रख देंगे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम इसमें ये भर रहे हैं इस तरह से। ऊपर वाला मशीन का जो पोर्शन था हमने उसे खोलकर इस तरह से भर लिया है। थोड़ी सी टीस्पून की मदद भी ले रहे हैं, उसकी हेल्प से अंदर करेंगे। फिर हम ये कढ़ाई में काफ़ी तेज़ गर्म तेल में हमें इस तरह से घुमाते हुए डालना है, और वो उसका जो हैंडल है उसे दबाते हुए डालना है, अच्छे तेज तेल में हमें डालना है। ये देखें इस बात का ध्यान रखना है
ये जले ना, इसमें बबल्स आने लगे हैं। अभी हमें नहीं पलटना है और थोड़ी सी देर के बाद हमने इसको पलट दिया। फौरन हमें नहीं पलटना है, अब इसे थोड़ा सा अच्छे से पकने देना है। जब इसके बबल्स कम हो जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, तो हमें निकाल लेना है इस तरह से। बाकी के सेव भी देखें, हम इसी तरह से जो उसका हैंडल है मशीन का, उसे पकड़कर दबाकर हम घुमाते हुए बनाएंगे। हमें एक जगह नहीं सेव को डालना है, पूरी कढ़ाई में गोलाई में ही हमें इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए सेव डालने हैं। इस पॉइंट पर मैं आपको याद दिला दूं, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया था उसके बैटर में। ये देखें, हमारे सेव बनकर तैयार हैं, बहुत अच्छे से बन गए हैं। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं, देखें कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपके सेव कैसे लगे और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।